नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों आज हर तरफ एक हॉट न्यूज है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इतना हॉट टॉपिक है कि जो इकोनॉमी से लेकर लोगों के जहन तक एक दस्तक दे चुका है। लोगों के जहन में आज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ कोरोना वायरस की न्यूज चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। हर तरफ एक हाहाकार का माहौल है, इकॉनमी का शटडाउन दिखाई दे रहा है, इकॉनमी का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, जीडीपी शॉर्टली माइनस में आ जाएगी, अमेरिका जैसे देशों की हालत बहुत खराब है। और जहां तक हम यूरोप जैसे समृद्ध देशों की बातें करते थे, वहां तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हिंदुस्तान ने यहां कोरोना वायरस को झेलने में और उसका डट के मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम सब भारतीयों ने बहुत साहस दिखाया है और हाँ, हम इस रुतबे को सलाम करते हैं। जी हाँ, हमारी और आपकी मेहनत की वजह से ही हम इस भयानक बीमारी में भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति का नया आयाम खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा आपका लॉकडाउन में घर में रहना ही हमारी सच्ची देशभक्ति है। दोस्तों अब सवाल खड़ा होता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति में अगर हम निवेश करना चाहें तो कहां निवेश कर सकते हैं, कहां ऐसी अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है, या हमारे आज तक के जितने भी लॉसेज हुए हैं उसको पूरा करने में क्या ये मौका है हमारे लिए, समझने वाली बात है। देखिए आइए चलते हैं, समझते हैं कि हो क्या रहा है। दोस्तों हर तरफ हाहाकार का माहौल है, हर तरफ चीजें खराब हैं, इकॉनमी स्लो डाउन में जा रही है, न्यूज चैनल वाले बहुत समझा रहे हैं, बहुत डरा रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं, पर हम आम निवेशक ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये मौका है या हमें इससे निकल जाना चाहिए। मतलब ये मौका है कैसा, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये मौका बने रहने का है, ये मौका निवेश करने का है, या ये मौका है जो पैसा बचा है उसके लेके भाग जाने का। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके इन सभी सवालों का जवाब पक्का मिलेगा। मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। दोस्तों कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के चलते बाजार में बहुत उठापटक देखने को मिल रही है। कभी बाजार ऊपर का सर्किट लगाता है तो कभी बाजार नीचे के स्तर को छूता है और वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसको विक्स कहते हैं, जो 75 तक पहुंच गया था, अभी भी 51-52 के आसपास घूम रहा है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अभी भी वोलेटिलिटी बहुत हाई है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम बाजार में बाय करके चलें या बाजार में शॉर्ट करके चलें। दोस्तों जो ट्रेडर किस्म की कम्युनिटी है वो हर मौके में एक मौका तलाश लेती है, परंतु जो निवेशक हैं, क्या निवेशक के लिए यह सुनहरा मौका है? जी हाँ, मैं इस बात को पूरा वेटेज देता हूं, मैं इस बात का पूरा पुरजोर समर्थन करता हूं कि हाँ, निवेशक के लिए हर मौका, हर गिरावट एक बहुत जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, सिर्फ एक शर्त पे। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को, उस समय को समझ लिया, आपने ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, और हर एक त्रासदी में, दोस्तों जैसा हमने सुना है अपने पुराणों में कि समुद्र मंथन के समय में जहां एक तरफ जहर निकला था वहीं दूसरी तरफ अमृत भी निकला था, तो अगर ये समुद्र मंथन का समय है, अगर ये समय है जहां हमें अपने पोर्टफोलियो को वापस से खंगालना है, वापस से तराशना है, जी हां ये करेक्ट समय है। हमें देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दस्तक दे रही है जहां आपको सही समय पे सही चीजों में निवेश करना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आपकी इन सभी सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा और हां, एक कोशिश रहेगी मेरी कि जो मैं अपनी स्टडी के हिसाब से, जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ स्टडी की है, कुछ स्टॉक्स को निकालने की कोशिश की है, दोस्तों वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पर मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप भी उस पर अपनी स्टडी करने के बाद ही उसमें निवेश करें, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है, आपको अच्छी लगती है तो आपसे शेयर कर रहा हूं, पर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा से कहता हूं, किसी पे भी ब्लाइंड बिलीव नहीं करना, इसलिए आप अपनी स्टडी कीजिए, बहुत आसान है स्टडी करना। हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें, ये सेक्टर आने वाले समय में आउट परफॉर्म क्यों कर सकता है। दोस्तों इस समय एक और चीज सामने आई है कि जहां बाजार में इतना हाहाकार मचा हुआ है, जहां बाजार इतना ऊपर और नीचे हो रहा है, वहीं पे नए ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ रही है। मतलब जो नया तबका है, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, इस बाजार की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो समझदार हैं, उन्होंने हमेशा अपनी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश की है, वो क्यूरियस हैं, वो लालची हैं, अपॉर्चुनिटी कमाने के। जी हां, ये लालच अच्छा है,
है, मैं भी इस लालच का समर्थन करता हूं। जी हां, इसी को लेके देखा जाए तो पूरे देश में नए ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट भरमार से खुल रहे हैं, बहुत तेजी से खुल रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये लोग बेवकूफ हैं, क्या ये लोग मूर्ख हैं, या ये लोग समझदार हैं, इस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं कि ऐसे समय में क्या उनके हाथ कोई काबूकी का खजाना लग सकता है? जी हां, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये सही समय है अपने हीरे तराशने का। तो सब पहले समझते हैं कि बाजार में इतना उठा पटक है क्यों। सबसे पहला प्रमुख कारण है कोरोना वायरस का अपडेट। जैसे ही कोरोना वायरस का अपडेट पूरे विश्व से आता है कि हाँ, हमने कोरोना वायरस के ऊपर एक कंट्रोल कर लिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमें वुहान से ये खबर आई कि आज 76 दिन के लॉकडाउन के बाद अगर वुहान शहर पूरा खोल दिया गया है, वहां पे बिजनेस चालू हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज आता है कि सब चीजें ठीक हो रही है, एक क्योर मिल गया है, कोरोना वायरस के ऊपर हमने कंट्रोल पा लिया है। फिर जैसे ही हमें न्यूज आती है कि नहीं, अमेरिका में बहुत सारी मौतें लगातार हो गई हैं, तो हमें लगता है नहीं, इतना बड़ा देश अगर नहीं संभाल पा रहा है तो पूरा विश्व कैसे संभालेगा। तो इन न्यूज की वेरिएशंस में हमारा स्टॉक मार्केट भी वेरिएट कर रहा है। फिर वही कमी हमें लगता है कि हमारे जो लोकल हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहे हैं, वो लॉकडाउन अभी खुलने वाला है। दोस्तों, जो लोकल हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन है वो भी जल्दी खत्म होने वाला है, उसके ऊपर फिर से प्रधानमंत्री विचार करेंगे कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं है। तो जैसे जैसे लोगों को लगता है कि लॉकडाउन का समय खत्म होने वाला है, फिर से जिंदगी पटरी पे दौड़ेगी, फिर से दुकानों में हरियाली होगी, हलचल होगी, लोग सड़कों पे दिखाई देंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो लोगों की उम्मीद पे बाजार फिर से बढ़ने लगता है। पर क्या ये समय वाकई मौज मस्ती करने का है? क्या ये समय वाकई इस डर से बाहर निजात पाने का है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया? तो जैसे ये शक और डर फिर से जहन में आता है, लोग फिर से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। पूरे ग्लोबल क्यूज जो हमारे सामने आते हैं, वो ग्लोबल क्यूज बाजार को पुश कर देते हैं। कहीं से लगता है कि मौतें बंद हो गई हैं कोरोना वायरस को लेके, या जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे थे अगर वो बंद हो गए हैं, वो रुक गए हैं, तो बाजार एक उछाल ले लेता है। फिर कहीं से किसी कंट्री से लगता है कि नहीं, फिर से कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं, फिर से नंबर बढ़ने लगा है, फिर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। दोस्तों, एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसके ऊपर अगर आपने देखा हो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, वो 25-30% स्टॉक्स कुछ बढ़ गए। उसके पीछे वजह क्या रही? दोस्तों, लॉकडाउन है, कोई गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, कोई गाड़ियां बन नहीं रही हैं, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, लोग गाड़ियों की तरफ नहीं सोच रहे हैं, फिर भी ऑटो स्टॉक्स भाग गए। ये ऑपरेटर का खेल है दोस्तों, इस ऑपरेटर के खेल से बचिए, क्योंकि ऑपरेटर अपने स्टॉक्स को ऊपर नीचे करके आपको एक गलत भाव में फंसा सकता है। तो आपको देखना है कि जिस सेक्टर की डिमांड अभी नहीं है और आने वाले समय में डिमांड होने भी नहीं वाली है कुछ दिनों के लिए, उस सेक्टर से प्लीज परहेज कीजिए। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर्स में हम निवेश कर सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे शेयर्स हो सकते हैं जिन पे हम नजर बना सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल खड़ा होता है कि निवेश करें तो कहां निवेश करें। देखिए, जब कोरोना वायरस खत्म होगा, जब ये पैनिक खत्म होगा, ये पेंडेमिक एक दिन तो खत्म होना है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, पूरे देश के साइंटिस्ट में लगे हुए हैं कि इस बीमारी से पार पाना है और हम पा लेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। हमें हमारे डॉक्टर्स पे, हमारे साइंटिस्ट पे तो भरोसा है, ये पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट पे भी भरोसा है, इस बीमारी का निजात तो हम पा ही लेंगे। जैसे जैसे हमें चाइना से अच्छी न्यूज आती है कि वहां पे पूरी फैक्ट्रीज पूरे जोर पे काम कर रही हैं, फैक्ट्री खुल गई है, बिजनेस हो रहा है, वैसे वैसे हम भी अपनी अपनी कंट्रीज में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में हम भी इस लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे। जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो हमारे निवेश का मुख्य स्रोत बन सकते हैं, मुख्य टारगेट हो सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम उस बात पे आते हैं जहां आरबीआई ने बीते दिनों में भारी कटौती की रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में। इसका मतलब क्या था? मतलब बैंकिंग सिस्टम के हाथ में 4.25 लाख करोड़ के आसपास में अतिरिक्त धन आ जाता है सस्ते ब्याज दर पे लोन देने के लिए। अब लोन कौन लेगा? लोन सस्ते दर पे लेंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जी हाँ, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ये सब लोन लेंगी ताकि वो सस्ते ब्याज पे जो उनका अभी तक का नुकसान हुआ है प्रोडक्शन ना हो पाने का, उस प्रोडक्शन को वापस से चालू कर सकें। उसके लिए उनको पैसा चाहिएगा, इकोनॉमी को रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा कौन देता है? बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम, जी हाँ। तो बेहतरीन बैंकों की तरफ नजर कर सकते हैं, जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या और दूसरे जो भी आपके चहेते बैंक हो, आप उन बैंकों को देखिए। तो बैंकिंग एक सेक्टर हो सकता है। दूसरा सेक्टर आता है दोस्तों, वो केमिकल कंपनीज, जो केमिकल कंपाउंड बनाती है दवाई बनाने वाली कंपनीज के लिए। कोई भी दवाई के अंदर जो सॉल्ट होता है उसको हम केमिकल कहते हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग एक कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, और जितनी भी दवाई बनाने वाली
वाली कंपनी या ऐसी कंपनीज जो दवाई बनाने वाली कंपनीज को केमिकल या सॉल्ट प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज की तरफ देख सकते हैं। उन कंपनीज में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? ऐसी सूरत हालात में एक कंपनी जो मुझे बेहद पसंद है वो है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो सॉल्ट प्रोवाइड करती है बहुत सारी दवाई बनाने वाली कंपनीज में। दोस्तों जो पेंडिंग टास्क चल रहे थे, जो ट्रेवल पेंडिंग चल रहा था, वो एग्जीक्यूट होगा। लोग डर से बाहर आएंगे, लोग ट्रेवल करेंगे अपने अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए। फ्लाइट की टिकट्स बुक की जाएंगी। जो कंपनीज हुई, फॉर एग्जांपल हम स्पाइस जेट की बात करें या इंडिगो की बात करें, ऐसे शेयर्स में उछाल आ सकता है। अगर हम बात करें रेल बुकिंग की, तो IRCTC जो लोअर सर्किट में रहा शेयर इन दिनों में, IPO के तत्काल बाद में कोरोना वायरस ने उसको बहुत तगड़ा झटका दिया, तो IRCTC एक ऐसा शेयर हो सकता है जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा इतने सस्ते भाव में वो शेयर मिलेगा, जहां पे आपको एक बहुत क्विक रिकवरी देखने को मिल सकती है। MMT जैसी कंपनीज, बुकिंग कंपनीज, तो दोस्तों ये वो कंपनीज हैं। एक और कंपनी, एक और सेक्टर समझ में आता है जिसको हम कह सकते हैं FMCG सेक्टर। दोस्तों अभी लोग घर में हैं, घर में सिर्फ सब्जियां खरीद रहे हैं या छोटी मोटी दालें खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग पे खर्च नहीं कर रहे हैं। FMCG होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे ही जिंदगी पटरी पे आएगी, जैसे ही लोग सड़कों पे उतरेंगे, FMCG प्रोडक्ट्स के ऊपर दोबारा से डिमांड होने वाली है। लोग कभी खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना इत्यादि नहीं बंद करेंगे। दोस्तों ये वो सभी सेक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। और एक प्रमुख सेक्टर जिसके ऊपर सरकार की भी नजर है और अब हम भी चाहेंगे, और वो है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में ऊपर सरकार भी बहुत निवेश कर रही है और हम भी आज हेल्थ केयर हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, इसके ऊपर हमारी सीरियस। तो इन्हीं में से एक वो सेक्टर निकल के आना है जो छुपा रुस्तम हो सकता है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ, जो जितनी भी कार बनाने वाली कंपनीज हैं, स्कूटर बनाने वाली कंपनीज हैं, बाइक बनाने वाली कंपनीज हैं, ये कंपनीज जब लॉकडाउन खुलेगा तो लोगों को रिझाने के लिए एक से एक स्कीम लेके आएंगी। जो इनका माल बना हुआ है, जो प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है, जो सेल स्टॉप हो गई है, जो बना हुआ माल है उसको बेचना बहुत जरूरी है। तो जब लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा माल 6 महीने से नहीं बिका, उसको बेचने के लिए सस्ती स्कीम्स लाई जाएंगी। हर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार रखती है दोस्तों। वो ऐसी कैलेमिटीज के लिए, ऐसे ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स के लिए कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं। कोई कंपनी लॉस में माल नहीं बेच सकती है, समझ लीजिए। तो जो भी कंपनी हैवी डिस्काउंट्स देगी उसके बावजूद भी पैसा कमाएगी, लॉस में कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। तो आपको ध्यान रखना है हर उस सेक्टर से जो आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर हम सोच रहे थे गाड़ी खरीदने की, तो हो सकता है लॉकडाउन के बाद हम गाड़ी खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी उम्मीद होगी गाड़ी सस्ती मिल सकती है। अगर हमें फ्लाइट में ट्रेवल करना था तो फ्लाइट की टिकट्स के ऊपर डिस्काउंट मिल सकता है, या नहीं भी मिला तो फ्लाइट में ट्रेवल जरूर करेंगे, बिजनेस बढ़ने वाली है। और उसके बाद FMCG प्रोडक्ट की तो डिमांड होती ही है, होती है और बढ़ जाएगी। लोग ज्यादा स्टोर करेंगे कि दोबारा से ऐसी कोई तकलीफ ना हो। और केमिकल इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, और हम बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये वो सेक्टर है दोस्तों। और सबसे सर्वोपरि बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैकबोन है किसी भी कंट्री के लिए। इन इंडस्ट्री पे ध्यान रखिए, अपने अपने चुनिंदा शेयर्स इस इंडस्ट्री से निकालिए और उनमें निवेश करने की आज ये बेहतरीन मौका है। दोस्तों जो सोच रहा है कि मैं 6000 पे जाके माल लूंगा, वो 6000 पे भी नहीं खरीद पाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरा अनुभव है ये। जो लोग 6000 की निफ्टी पे बात किया करते 2008 के आसपास में, वो 2200 की निफ्टी पे भी माल नहीं खरीद पाए थे। तो इसलिए जो लोग समझदार हैं, 12000 से गिरते गिरते बाजार 7500 के लो को छू चुका था, वापस से 9000 से ऊपर बाजार चल रहा है, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को तलाशिए, अपने स्टॉक्स को ढूंढिए और हर लेवल पे निवेश करना स्टार्ट कीजिए। जितनी पूंजी आप निवेश करना चाहते हैं उसका 10% से लेके 25% तक तो आज लगा सकते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट आपके शेयर्स में बना रहे। और उसके बाद हर गिरावट के बाद आप हर 10% के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से निवेश करेंगे तो आपका निवेश खराब होगा ही नहीं। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग मिल सकती है। और हाँ, जो लोग इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से डरते हैं दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ मुंह जरूर करें, अपना रुख उस तरफ जरूर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा तरीका है जहां आपके डर के ऊपर आप खुद जीत पा लेते हैं। जहां आप खुद निवेश नहीं कर सकते, वहां म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप बहुत अच्छा और बहुत सही निवेश कर पाते हैं एक प्रोफेशनल की मदद से। तो दोस्तों ये रहा आज का संदेश, जो निवेश की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, ये सुनहरा मौका है। निवेश करते चलिए, धीरे धीरे अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करते चलिए, और जो डायरेक्ट इक्विटी से डरते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे शेयर करना ना भूले, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फिर से लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दोस्त विपुल कौशिक आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।